ये बारात निकल रही है या किसी की मैयत? और ये दुल्हा और दूल्हे की माँ रो क्यों रहे हैं? शहर से आए रोहित ने जैसे ही निशीपुर गांव की उस बारात को देखा तो वो हैरान रह गया। फिर उसे वहाँ के सरपंच ने बताया एक ऐसा सच जिसे सुनकर उसके होश उड़ गए। बेटा, हमारे गांव में एक चुड़ैल रहती है जिसका नाम है मंडोलिका। हर अमावस्या की रात हमें एक कुंवारे लड़के को दूल्हा बनाकर उसके पास भेजना पड़ता है ताकि वो सुहागरात मनाकर अपनी प्यास बुझा सके, और उसकी प्यास तब बुझती है जब वो उस लड़के को मार देती है। सरपंच की बात सुनकर रोहित डर के कांपने लगा। और वो ऐसा क्यों करती है? क्या कहानी है मंडोलिका की? कहते हैं सालों पहले मंडोलिका ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी जिसके कारण उसे एक साधु ने चुड़ैल बना दिया। फिर मंडोलिका रोजाना गांव के कई मर्दों को मारने लगी। फिर उस साधु ने मंडोलिका को प्राचीन हवेली में कैद कर दिया। क्या? हाँ, अब उसकी भूख मिटाने के लिए हमें हर अमावस्या की रात एक कुंवारे मर्द को उसके पास भेजना पड़ता है ताकि वो एक कुंवारे मर्द को मार कर शांत हो जाए और बाकी लोग सुरक्षित रहे। ऐसा कहते ही सभी लोग उस लड़के को प्राचीन हवेली में छोड़ाए। पर जैसे ही सुबह हुई पूरे गांव में शोर होने लगा। अरे, मंडोलिका ने दूल्हे को जिंदा छोड़ दिया, दूल्हा बच गया। ये बात सुनकर किसी को विश्वास नहीं हुआ। सरपंच, रोहित और गांव के लोग दूल्हे के पास प्राचीन हवेली पहुंच गए जहां दूल्हा लहूलुहान पड़ा था। क्या हुआ? अब क्या चाहिए मंडोलिका को? फिर दूल्हे ने जो बात बताई उसे सुनकर सब डर के कांपने लगे। क्या? ये तो असंभव है, ये कैसे मुमकिन है? डरिए मत सरपंच जी, मेरे पास इसका एक उपाय है। क्या बात कही दूल्हे ने, क्या उपाय है रोहित के पास और किस गलती के कारण मंडोलिका बनी चुड़ैल? जानने के लिए अभी डाउनलोड करें पॉकेट एफएम और सुनिए मंडोलिका। पॉकेट एफएम, डाउनलोड नाउ।